शिमला के संजौली और ढली को जोड़ने वाली नई टनल का लोकार्पण कर दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टनल का उद्घाटन किया और आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया। ढली में इससे पहले 172 साल पुरानी टनल से आवाजाही हो रही थी। यहां पर काफी ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन अब इस टनल के साथ ही नई डबल लेन टनल बनाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टनल का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा था। कांग्रेस सरकार के आने के बाद सरकार ने कार्य में तेजी लाई। टनल से न केवल यातायात की समस्या हल होगी बल्कि पर्यटन को भी इससे लाभ मिलेगा। देखिए, इस टनल का काम काफी धीमी गति से चला हुआ था। हमारी सरकार आई, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री और रूरल डेवलपमेंट अनुरूप सिंह जी ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद हमने इस टनल का काम जो है उसको स्पीड अप करवाया और आज इस टनल को हमने शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है उनके लिए खोल दिया है। और इसके साथ ही हमने टूरिज्म से भी ये जो जितनी भी ये टनल के इंटीरियर की जो ड्राइंग की गई है वो हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी शुरू करवाई। मैं इसके लिए जो विभाग के अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी, इन सबका धन्यवाद करता हूं कि एक रिकॉर्ड समय में जो बड़ी धीमी गति से पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था उसको हमने एक साल के भीतर पूरा करवाया। यही स्पीड हमारी और कार्यों की भी है। आप देख रहे होंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको स्पीड अप कर रहे हैं और हमने नियमों में परिवर्तन करके इस कार्य को तेज करवाया। सर, शिमला शहर में जो कंजेशन होता था खासकर संजौली में, वो कितना दूर इससे हो पाएगा? निश्चित देखिए, निश्चित तौर पर दूर होगा। पहले एक टनल थी, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत होता था, एक सुरंग से निकलते थे। अब दो टनल है, दोनों टनल से जब निकलेंगे और तीन ले होगी है, तीन ले का मतलब दो तो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ियाँ निकल सकती है, वहाँ से भी निकल सकती है। तो उस टनल का तीनों की शिमला शहर ऊपरली क्षेत्र के लिए बहुत सुविधा इस टनल के माध्यम से होगी। मैं पुरानी टनलों को भी रेनोवेट कर रहे हैं और हम आगे विचार कर रहे हैं। मैं अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से बात कर रहा था कि आने वाले समय में प्रदेश में हमने पहले भी बजट में कहा है टनलिंग का निर्माण किया जाएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।